हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नज़र हर एक शेयर में। तो लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही खास वीडियो। कल की डेट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे जो पूरा स्टॉक मार्केट हिला देने वाला है। यूँ कहें कि कल के दिन उससे रिलेटेड ऐसी न्यूज़ अपडेट आने वाली है। हो सकता है कि अगर न्यूज़ ऐसे में आए तो हमको मार्केट में पॉजिटिविटी दिखे उस स्टॉक को लेकर, और अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है, नो ऐसा कुछ उसका फैसला आता है, तो ज़रूरत से हमको वहाँ पे नेगेटिविटी या कहना चाहिए मार्केट में कहीं ना कहीं गिरता हुआ शेयर हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्केट में क्या रहेगा खास, अब आप सोच रहे होंगे कल के दिन तो हॉलीडे है, कल के दिन मार्केट में कैसे हमको देखने को मिलेगा वो स्टॉक। तो डेफिनेटली कल के दिन मार्केट का हॉलीडे है, तो कल के दिन तो हमको नहीं मिलेगा, बट कंपनीज़ बंद नहीं होती ना दोस्तों, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ तो भले ही अभी दो दिन या एक दिन मार्केट बंद रहे उससे मतलब नहीं है, न्यूज़ तो अपना काम करती है ना, वो तो अपडेट देंगी ही ना। तो उससे रिलेटेड जब भी मार्केट ओपन होगा तो उसका इम्पैक्ट हमको ज़रूर स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक पर दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं जब भी मार्केट होगा ओपन, जब हमको उस स्टॉक में तेज़ी या कहें डाउन मोमेंट दिखाई देखने के लिए मिल सकता है, वो कौन सा स्टॉक है, स्टॉक कैसा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी से कहना चाहूँगी, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइमली मिल सके, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एवं लाइक करें। इसके साथ ही आज का हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है उस न्यूज़ में खास। तो उससे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं या थोड़ा सा मार्केट के बारे में आज देख लेते कि आज का मार्केट कैसा रहा। तो आज आपने देखा और मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था, आज सुबह जो मॉर्निंग में वीडियो आई थी कि आज मार्केट की वीकली एक्सपायरी रहेगी इंडेक्स की, तो हमको जहाँ तक मार्केट में डाउन मूवमेंट या कहें कि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो ज़रूरत से हमको ओपनिंग जबरदस्त देखने के लिए मिली थी, बट हमको कहीं ना कहीं मार्केट में 10 के आसपास से गिरावट देखने के लिए मिली। तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि निफ्टी भी आपको 76 पॉइंट पॉजिटिव बस दिखाई दे रहा है। तो सकते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी कुछ इसी रफ्तार से आज के दिन इन्होंने काम किया, कुछ ज़्यादा हमको यहाँ पे अच्छा काम, बट इसमें भी कई लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की होगी। ट्रेडिंग की मैं बात कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए तो हम आगे के लिए जाते हैं तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है, बट मैं जिस स्टॉक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो या ना हो दोस्तों, पर हमको फोकस उस पर ज़रूर रखना है बिकॉज स्टॉक कैसा है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, रिजर्व्स कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, सारी चीज़ें हम A to Z इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों लर्निंग, अगर हम लर्निंग पे फोकस करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं बेस भी क्लियर होगा और कहीं ना कहीं हम शेयर मार्केट के बारे में और भी जान पाएंगे। तो आपके मन में हमेशा लर्निंग प्रोसेस चलनी चाहिए स्टॉक मार्केट से रिगार्डिंग या फिर मार्केट से रिगार्डिंग, कुछ भी ऐसी लर्निंग प्रोसेस रहना चाहिए कि हमको नई चीज़ सीखनी है या इस शेयर के बारे में जानना है, भले ही ये हमारे पोर्टफोलियो में हो या ना हो। अगर हम ये सब पे ध्यान देंगे तो हमको मालूम चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, बाकी सब लोग किस पे वर्क कर रहे हैं। हो सकता है हमारे पास वो स्टॉक नहीं है, बट फिर भी अगर हम उसके बारे में जानकारी रखते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल के उस स्टॉक पर वर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम उस वीडियो पे आ जाते हैं, उस स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन सा स्टॉक रहेगा कल के डेट में खास। दोस्तों वो स्टॉक आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जी हाँ दोस्तों, मैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड स्टॉक की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको मालूम होगा किस सेक्टर से रिलेटेड, ऑब्वियसली एक आपको फार्मा सेक्टर से दिखाई दे रहा होगा, बट इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया, शायद आपने अभी तक वॉच नहीं किया, पर आप उसको वॉच कर सकते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बता देती हूँ कि वो न्यूज़ क्या है। स्पुतनिक फाइव पर मैंने बताया था, डॉक्टर रेड्डी से रिलेटेड स्पुतनिक फाइव जो कि वैक्सीनेशन है, और यहाँ पर इसके थर्ड फेज का जो है आउटलुक अभी तक नहीं आया है या हमको नहीं देखने के लिए मिला है। तो कह सकते हैं इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमको आने वाले समय में एक दो दिन में देखने के लिए मिल सकता है, जिसका इम्पैक्ट हमको कहीं ना कहीं इस शेयर पे देखने के लिए मिलेगा जब भी मार्केट ओपन होगा। कल के दिन मार्केट बंद रहेगा, बट जब भी मार्केट ओपन होता है परसों के दिन फ्राइडे मार्केट में, हमको इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, नेगेटिव न्यूज़ होती है तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर गिरावट मिलेगी, बट अगर न्यूज़ येस में होती है या पॉजिटिव होती है तो डेफिनेटली हमको वहाँ पर मार्केट में इससे रिलेटेड उछाल या कहना सही तेज़ी हमको इस स्टॉक के लिए देखने के लिए। तो इस पर हमारा फोकस ज़रूर से होना चाहिए दोस्तों। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड और बताया भी था आपको कि इसका रिजल्ट या यूँ कहें कि इसका आउटकम आने वाला है, बट उस टाइम ये पोस्टपोन हो गया था, कुछ डिले कर दिया था कुछ रीजन्स की वजह से, बट अभी वापस से ये न्यूज़ आई हैं कि कहीं ना कहीं हम मार्केट में इसका
देख पा रहे हैं या कह सकते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ हमको सामने देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर मैंने वापस आपसे कहना चाहूँगी पॉजिटिव हुआ तो हमको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, नेगेटिव हुआ तो उस हिसाब से हमको इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, बट स्टॉक में कहीं ना कहीं हमको इम्पैक्ट ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस इस पर ज़रूर होना चाहिए। अगर हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो आप खुद भी देख पा रहे होंगे 5 दिन के चार्ट पैटर्न में काफ़ी अच्छा वर्क किया है डॉक्टर रेड्डीज़ के स्टॉक ने। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें 6 मंथ के चार्ट पैटर्न की ओर जाएं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वॉलीटिलिटी मार्केट में काफ़ी रही है, बट फिर भी इसने अपना एक अच्छा हाई बना के रखा हुआ है। हम अभी डिलीवरीज भी चेक करेंगे, इसकी बैलेंस भी चेक करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं वैक्सीनेशन से रिलेटेड हमको काफ़ी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ अगर मिलती है इस रेट, वैसे इसकी डेट कल बताई जा रही है जो पोस्टपोन डेट हुई थी कुछ रीजंस की वजह से, तो कल की डेट में इसका रिजल्ट से फैसला आ सकता है। बिकॉज डॉक्टर रेड्डी का स्टॉकर ने जो पार्टनरशिप की है स्पुतनिक 5, तो कह सकते हैं अगर कल की डेट में रिजल्ट आता है तो हमें कहीं ना कहीं मार्केट ओपनिंग में इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। थोड़ा मैच्योर हो जाइए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर हमको पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव, तो इस चीज़ की गारंटी आपको कोई नहीं देगा दोस्तों। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा मैच्योर होकर सोचिए, अगर यस आता है तो ऐसा होता है, रेदर देन नहीं आता है तो नो में हमको उस हिसाब से इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो इस चीज़ के बारे में आप खुद भी एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं, पहले इससे रिलेटेड एक न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं हम। इससे रिलेटेड अगर न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर रेड्डी गेट्स अ 3 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम यूएस एफडीए फ्रॉम यूएस बेस्ड एपीआई प्लांट्स। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में 3 ऑब्जर्वेशंस रखे गए हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, इससे रिलेटेड जो भी इम्पैक्ट होता है, तो इस पर भी हमारा फोकस ज़रूर होना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे 2 घंटे पहले की ये न्यूज़ है, तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ हम कह सकते हैं, तो हमको इस पर भी कहीं ना कहीं हमारा फोकस ज़रूर से होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पर पड़ता है दोस्तों। तो इससे हमारा चीज़ें यहाँ से क्लियर हो सकती हैं अगर इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, तो इस पर हमारा फोकस ज़रूर होना चाहिए। अगर हम डॉक्टर रेड्डीज़ के और भी पैरामीटर्स पे जाएं तो आप यहाँ पे डिलीवरी देख पा रहे होंगे दोस्तों 10 मार्च का ये डिलीवरी है, मतलब आज की डेट का 36.88% का डिलीवरी यहाँ पे आज उठाया गया है। कह सकते हैं कंपनी में काफ़ी शानदार अभी वर्क हो रहा है। अब न्यूज़ से रिलेटेड जो भी खबर आती है उससे इस पर इम्पेक्ट क्या होता है वो हम देखेंगे आगे चल के, ये पहले बात की बातें हैं, अभी जो चल रहा है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर पैरामीटर्स दिखाई दे रही हैं। अगर हम 52-week high की बात करेंगे आप देख पा रहे होंगे 5512 का, मतलब 512 का यहाँ पे हाई बनाया गया, ये 21 सितंबर 2020 का है, 2020 की यहाँ पे बात हो रही है और अभी चल रहा है 21, तो हम इस हाइक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अभी रिसेंट में इसका प्राइस क्या चल रहा है उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि हमारा फोकस यहाँ से होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हम ज़रूर जाते हैं तो हमारा फोकस यहाँ हो जाना चाहिए। तो कह सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली स्टॉक काफ़ी शानदार है। कल की न्यूज़ के बाद से इसमें क्या इम्पैक्ट और क्या जंप होता है वो हम देखेंगे। अगर बाउंड वीक के हाई की लो की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2495 का यहाँ पे लो है और ये 2020 का ही लो यहाँ पे शो हो रहा है, तो कह सकते हैं काफ़ी शानदार कंपनी है, काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको दोस्तों 1000 रुपये का कहीं ना कहीं गैप हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका क्या रीज़न है? इसका यही रीज़न है, इसके कारण इसका जो न्यूज़ आने वाला था स्पुतनिक 5 वो डिले हुआ, बिकॉज़ यहाँ पे डिलीवरी भी हमको कुछ ज़्यादा अच्छी मात्रा में नहीं दिख रही है। और अगर हम ये गैप की बात करें 1000 पॉइंट का, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, इससे रिलेटेड ही बार बार न्यूज़ पोस्टपोन हो रही है या कह सकते हैं डिले हो रही है। तो अगर हम इसमें देखते हैं डेफिनेटली न्यूज़ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है तो हम उस पर हमारा फोकस ज़रूर से होना चाहिए। यहाँ पे आप कंपनी के दोस्तों रिज़र्व देख लेते हैं कि रिज़र्व क्या, कंपनी के पास 11 करोड़ के आसपास के रिज़र्व, देन 12 करोड़, देन अभी हम रिसेंटली 15108 करोड़ के रिज़र्व कंपनी के देख पा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे रिज़र्व्स यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो डेफिनेटली मैनेजमेंट कर्जे को कम करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है, 488 करोड़ का कर्ज़ा, देन 345 करोड़ का कर्ज़ा, देन 19.30 के आसपास का हमको कर्ज़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है और काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हमको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। अगर हम शॉर्ट टर्म कर्जे की बात करें, ये चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको यहाँ पे 1000 के आसपास यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म का कर्ज़ा दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों कैश की बात करें, कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है तो वो भी हम देख लेते हैं। कैश की अगर हम बात करें 39 करोड़ के आसपास का कैश रिसेंटली मौजूद है, पहले 120, देन 113 और अब
रिसेंटली हमको 39 करोड़ के आसपास का कैश कंपनी के पास दिख रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक मजबूत बैलेंस शीट है। अगर कहीं ना कहीं हमको कर्जे की बात दिक्कत आ रही है तो कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, बट फिर भी वो लोग कम करने की काफ़ी कोशिश की है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, 4 स्टार वाली बैलेंस शीट यहाँ से हो सकती है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको पहले बताना चाहूँगी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना स्टॉक से। कंपनी काफ़ी शानदार है, स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बट एकदम से आपको रिजल्ट मिल जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बिकॉज ये स्लो मूवमेंट करने वाला स्ट्रॉन्ग है, कभी कभी तो 20 से 30 पॉइंट मार्केट हाइक में गिर जाता है। जब मार्केट ऊपर रहता है तो कभी कभी इसका डाउन फ्लो इतना भी हो जाता है, तो इसमें डरने की बात नहीं है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में काम करते हैं। तो वापस से वही कहना चाहूँगी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मार्केट से या इससे लेने की ज़रूरत नहीं किसी भी स्टॉक के लिए, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हमको वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा झेलना पड़ता है। तो किसी भी स्टॉक को अगर फ्री माइंड अगर हम डील करते हैं ना, तो डेफिनेटली हमको एक अच्छा रिटर्न मिलता है और हमारे मन में कोई भी ऐसी शंका या कहना चाहिए कोई भी प्रेशर नहीं रहता। बिना विदाउट प्रेशर अगर वर्क करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। वापस से कहना चाहूँगी, कंपनी काफ़ी शानदार है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं तो इससे रिलेटेड न्यूज़ देख सकते हैं कि इसका इंपैक्ट कैसा पड़ता है कल की डेट में, परसों की डेट में, जब भी मार्केट ओपन होता है। तो डेफिनेटली यहाँ से हम कह सकते हैं स्टॉक काफ़ी अच्छा था, जिसकी मैंने डिटेल से आपको सारी जानकारी दे दी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं कर पाई हूँ, तो उनको आप कवर कर लीजिएगा। खुद भी सर्च करके गूगल देखेंगे तो खुद भी एनालाइज़ कर पाएंगे। इसी के साथ ही आप सभी से विदा लेती हूँ और आप सभी से कहना चाहूँगी वापस से, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए विजिटर हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के अपडेट आपको टाइमली मिल सके। इसी के साथ ही आपसे कहना चाहूँगी, नए बिगनर्स है कि जिन लोगों को डीमैट अकाउंट ओपन कराना है, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस में अगर डीमैट ओपन कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ से भी आप ओपन करा सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।